जी नहीं, ये पेशेंट शिव शंकर कर यहाँ पर आरटीए विद हेड इंजरी करके आए थे। इनकी जानकारी अकॉर्डिंग जो इनकी बातें हुई थी डॉक्टर शायद दीपक से हुई थी। अब तो काफ़ी बेटर है, जिंदा है जी बिल्कुल। कितने दिन हो गए? बस एक मिनट, यहाँ पर 21 तारीख को आए हैं। तो अभी तक इनकी हालत जो ठीक है? हाँ, अब तो काफ़ी बेटर है, पहले से फायदा है जी बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है बलीपुर, गांव बलीपुर, इगलास अलीगढ़। श्याम, किस तरीके की घटना हुई थी आपके भाई के साथ? इसको एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर रोड पर पड़ा हुआ मिला था और किसी अनजान व्यक्ति ने इसको उस पर फोन करके 108 एम्बुलेंस बुलाई और इगलास के लिए उसको लेके आए। इगलास में मृत घोषित कर दिया उसे। फिर क्या, वहाँ पे उनसे कहा कि भैया हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दो, हम अलीगढ़ ले जाएंगे, पर उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो बहुत बढ़िया है, 70% सुधार है। एक बलीपुर का एक लड़का एक्सीडेंट में काफ़ी गंभीर हालत में CSC पाया हुआ है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और बड़ी भीड़ भाड़ थी, तो मैंने तुरंत CMO को फ़ोन किया। CMO बोले सर डॉक्टर है, मैं झूठ मत बोला हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है, मैं लगातार तुमसे एक साल से बोलता चला आया हूँ कि मुझे 24 घंटे में डॉक्टर चाहिए, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन शिकायत घटनाएँ होती हैं और आपके कोई भी ट्रीटमेंट CSC से नहीं मिल पाता है। अब वहाँ एक वार्डन ने उसको लड़के को कोमा में बताया, दूसरे फार्मेसिस्ट ने उसको कहा कि मृत घोषित हो गया है, लेकिन वहाँ के सब लोगों ने, जनता ने जब मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी थोड़ा सा ऐसा मालूम पड़ता है कि लड़का जीवित है, तो मैं तुरंत इसके भ्रूण लेके पहुँची है, बाकी कार्रवाई तो मैं करा दूंगा इसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रति, तो भ्रूण भेजा आज लड़का, वो जीवित भी है। और मैंने स्वास्थ्य विभाग के वहाँ 3-3 डॉक्टर होने के बावजूद भी वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी भी नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैंने ऊपर तक राज शासन तक लिख के प्रमुख सचिव को, स्वास्थ्य निदेशक को, स्वास्थ्य मंत्री को पूरा मैंने फैक्स किया है, उनको अवगत कराया है। मैं CMO के प्रति भी कार्रवाई कराऊंगा, वहाँ के डॉक्टर उन्होंने CMO महोदय ने यहाँ संबंध किए हैं, तो क्या डॉक्टर IAS और PCS थे? मैं इसका जवाब भी उनसे ले चुका हूँ। मैं क्या तरीके उनको सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ से पूरा स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए और वहाँ पर 24 घंटे की मुझे सर्विस देनी चाहिए, मुझे सर्विस लेके रहूँगा, शासन प्रशासन से लेके हिलाना जानता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी मामले में, अपने क्षेत्र के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा पीछे नहीं हटूंगा किसी मामले में।